नमस्कार। आज की कहानी जो है वो स्पेशली पेरेंट्स के लिए ज्यादा है। तो एक बार एक बच्चा है, जो बच्चा होता है वो बच्चा बेसिकली क्या है कि उसको किसी पार्टी में जाना होता है, तो उसको एक शर्ट सेलेक्ट करना होता है। तो वो अपने मम्मी के सामने तीन शर्ट रखता है, एक ब्लैक शर्ट, एक वाइट शर्ट और एक ब्लू शर्ट। और फिर अपनी मम्मी को पूछता है कि मम्मी ये बताओ इन तीनों में से कौन सा शर्ट आपको सबसे अच्छा लगता है। तो मम्मी कहती है बेटा वाइट शर्ट बहुत अच्छा है। कि ठीक है। फिर मम्मी को पूछता है कि बेटा मम्मी आप बताओ दूसरा शर्ट आपको कौन सा अच्छा लगता है, कौन से कलर का शर्ट आपको अच्छा लगता है। तो मम्मी बोलती है मेरे को ब्लैक अच्छा लगता है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि बच्चा पार्टी के अंदर फिर वो कौन सा शर्ट पहन के गया। क्या उसने वाइट शर्ट पहना, क्या उसने ब्लैक शर्ट पहना या उसने ब्लू शर्ट पहना। आप सोचिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। बच्चे ने जो शर्ट पहनी, बच्चे ने बेसिकली ना व्हाइट पहना ना ब्लैक पहना, बच्चे ने ब्लू शर्ट पहनी। क्योंकि टीनेज एज में क्या होता है, टीनेज एज में बच्चों में जो हार्मोनल चेंज होते हैं तो थोड़ा उनका बागी टाइप बिहेवियर होता है, वो रेबेल टाइप बिहेवियर करते हैं। तो वो नेचुरल है कि बच्चा उस समय क्या होता है कि ना तो वो पूरा एडल्ट होता है ना वो पूरा बच्चा होता है, टीनेज एज में होता है। तो बच्चे कई बार ऐसी चीज करते हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो आप उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि टीनेज एज में बच्चे अक्सर ये इस टाइप की हरकत करते हैं। आप उसको इग्नोर कीजिए, आप देखोगे कुछ टाइम बाद आप उसको आपने चॉइस बता दी अपनी कि मेरी ये चॉइस है। आफ्टर सम टाइम वो देखोगे कि ऑटोमेटिक जब वो थोड़ा सा मैच्योर होने लगेगा तो फिर वो डेफिनेटली व्हाइट शर्ट ही पहनेगा। थैंक यू। जय हिंद।